अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि सीएम केसीआर साहब ने नौकरियों का ऐलान किया, मैं गुजारिश करता हूं तमाम नौजवानों से, मेरे भाइयों बहनों से, कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं, अप्लाई करें गवर्नमेंट जॉब्स को। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी देंगे, क्योंकि जैसा अपने अपने कौम में एक है थिंकिंग है कि अपने को गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अप्लाई करिए, अल्लाह ताला कामयाबी देने वाले हैं। आप जुड़े रहिए हमारे ख्वाजा सर से और ऐसे ग्रुप से जो मुसलमान नौजवानों की हेल्प कर रहे हैं ऐसे फील्ड में आगे बढ़ने की, इनसे जुड़े रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। आप अप्लाई करिए, बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब अता फरमाएंगे। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने जैसा कि अनाउंसमेंट किया कि 80,000 पोस्ट को रिक्रूटमेंट करेंगे, जो इमीडिएट रिक्रूटमेंट जो आने के चांसेस है वो ग्रुप 4 और पुलिस कांस्टेबल, उसके बाद ग्रुप 2 और टीचर्स रिक्रूटमेंट या जो भी आएंगे। हमारे नौजवानों में अक्सर ये एक कन्फ्यूजन है कि क्या हमको नौकरियाँ आएँगी। ज़रूर आएँगी, हमने कई लोगों को ट्रेनिंग्स दी, डेफिनेटली उन लोगों को भी नौकरियाँ आई और हम ऐसी तरतीब बनाएंगे। हैदराबाद में 2020 दिसंबर से मैं कई प्रोग्राम से इन सब नोटिफिकेशंस की इत्तला देता रहा हूँ। एज पर द रिकॉर्ड्स दिसंबर 2020 से लेकर मुख्तलिफ अजलाओं में भी हमारे कैंप्स हुए, अवेयरनेस कैंप्स हुए, लेकिन अब अवेयरनेस कैंप्स की ज़रूरत नहीं है। अब रेगुलर एक कम से कम 3 महीने बच्चा अगर पढ़ा तो जो क्वेश्चन अगर बिना कोचिंग के उसको 2 से 5 मिनट लग सकते हैं, अगर ट्रेनिंग लेके पढ़ा तो वो उसको 30 या कभी कभी 4-5 सेकंड्स में भी उसको सॉल्व कर सकता। तो ट्रेनिंग इज़ मस्ट। मैं तमाम नौजवानों से कोशिश करूँगा कि एक तरतीब बनाइए, 3-4 मंथ्स एक ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद कंटिन्यूसली एग्ज़ाम्स आए तक जो भी ट्रेनिंग में पढ़ाया जाएगा उसको लीजिए। डेफिनेटली मुस्तकबिल एक अच्छा एक खूबसूरत ज़िंदगी आपके इंतज़ार कर रही है, आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि अब जो रिक्रूटमेंट्स हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने अच्छे दिन हमारे लिए जो दिए हैं उन सबको नज़र में रखते हुए अभी से तैयारी कीजिए। इंशाल्लाह जो भी हम हमारी तरफ से कर पाएंगे वो नौजवानों के लिए एक फ्री ऑनलाइन सेंटर का किस कॉन्सेप्ट का अल्लाह ने जो भी मेरे जहन में डाला। ऑनलाइन के अप्लीकेशन में ई सेवा मी सेवा में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो हम एक 20-25 कंप्यूटर्स लगा के एक फ्री ऑनलाइन सिस्टम एक बनाएंगे, ताकि बच्चा घर से बैठ के हमारे ऑनलाइन सेंटर के कंप्यूटर पर टाइप कर पाएगा। वो सॉफ्टवेयर वो सिस्टम को हमने डेवलप किया। हम तमाम इन सहूलतों को ज़रूर हमारे हैदराबाद के नौजवान या जो भी हमारे बीसी एससी एसटी जो हमारे भाई लोग हैं, हम उन सबको कैसो इन इस सिस्टम का कैसो हम उनको फ़ायदा देंगे। और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डेफिनेटली इसमें सेलेक्ट होंगे। खुदा हाफिज़। ऑनलाइन इज बेटर इज इफ ही कम फॉर ऑफलाइन, अदरवाइज ऑफलाइन आने के लिए कोई एग्जैक्ट पता? विल इंटीमेट वी थ्रू अवर चैनल, डेफिनेटली विल इंटीमेट, डेफिनेटली ऑलरेडी डिस्प्लेड यू एमके फ्री कोचिंग खाजा, एमके स्पेस फ्री स्पेस कोचिंग स्पेस खाजा। Yeah, anything more? So that thank you very much. I just want to tell you one thing. Now what Mr. Khaja has taken this initiative, it's mind-boggling. The fact is 80,000 jobs has been, you know, informed by the government of Telangana. Now most of the youngsters, what they used to feel is there won't be job, why we have to, you know, secure a job, because they always think that we won't get a job. It's not the fact. I'm honestly speaking, the training what Khaja sahab has given, definitely it will be very instrumental. I'll tell you one thing, if at all each in youngsters who have come out here and they followed Mr. Khaja's lecture, definitely it will be a great help. I'll tell you, my cousin itself is a, you know, he's an SHO, he's an inspector. The fact is he has done a lot of efforts. Most of us, what we think is we won't get a job. It's not the fact. If you work hard, definitely, I assure you, definitely in coming future we can get best of the best IAS, IPS, IFS. The fact is we never worried. We always think that we believe in blame game factor. We always say that we won't get jobs. It's not the fact. I'm telling you, if the efforts what Sheikh Husamuddin sir has done, definitely if all the youngsters who have come here, definitely you will get best of the best job. 3 months training what they have told, it will be a transformation. Trust me, I'm telling you, my own cousin, he is the SHO, I mean, you know, where is that, Chhatrinaka. So what I'm trying to tell you is it is possible. My own nephew is in head constable. We always think that we won't get a job. It's not. I'm telling you honestly, nowadays things are quite clear. Earlier things were not
online. No, if you just sneeze, people will come to know. I'm talking here, people in New York also will come to know what Fahim is talking. So I'm trying to tell you, definitely it's a great opportunity organized by this wonderful, generous philanthropist person. Please use it, and definitely in future, we can expect best of the best officers from our community. Thank you so much. Indeed, I say a big thank you to all this press media, because definitely you are the people who are encouraging, who are supporting, who are making this sort of event successful. I want to say a big thank you to Sheikh Usamuddin, sir. He's such a person who always helps people. Thank you so much. Jazakallah khairan.